मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन के। डीएम व कप्तान ने सुनी लोगों की फरियाद, देखिए बदायूं से मोहम्मद आरिफ खान की खास रिपोर्ट। बिलसी तहसील परिसर में आयोजित समाधान दिवस में डीएम दीपा रंजन और एसएसपी संकल्प शर्मा ने जनता की समस्याओं को सुना और शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बिलसी तहसील परिसर में आज शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया था तथा डीएम दीपा रंजन तथा एसएसपी संकल्प शर्मा ने जनता की समस्याओं को सुना। यहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायत प्रेषित करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर बिलसी एसडीएम संजय कुमार सिंह, बिलसी सीओ अनुरोध सिंह तथा तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। अचानक दुकान में लगी आग से लोगों में मचा हड़कंप, देखिए कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। मामला छिबरामऊ कोतवाली के तालाग्राम तिराहे का। झोलाछाप, डॉक्टर के उपचार से मरीज की मौत, देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। झोलाछाप, डॉक्टर के उपचार से मरीज की मौत, आरोपी डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। घटना के बाद मृतक के परिजनों में मचा कोहराम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का उपचार कराने डॉक्टर के क्लिनिक पर गए थे कैलाश। इंजेक्शन लगाने के बाद हुई मौत, पुलिस ने मृतक के परिवार की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना के बाद आरोपी डॉक्टर फरार, बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के करौजी गाँव की घटना। गीता जी, क्या वारदात हुई थी, ये क्या हुआ था? ये अच्छे खासे ने चाय पी, इनकी बगल में कखियारी लेकर रही, तो ये बोले इंजेक्शन लगवाया हूँ मैं बोली खाली बेटा अभी मत जाओ इंजेक्शन लगवाने को, तो बोले रही कुछ ना कुछ है रमो को, ये जबरदस्ती चले गए। फिर वहाँ से डॉक्टर को फोन आया थोड़ी देर बाद के ऐसे ऐसे। कहाँ गए थे, किस डॉक्टर के पास? कारो जी। क्या नाम है डॉक्टर का? महेश। अच्छा, क्या हुआ था, फिर क्या करा था उसने? हाँ, तो मैं बोली तुमने खाली पेट क्यों इंजेक्शन लगा दिया, तो बोलोगे मोगा माली में के खाली पेट आए। मैं बोली चाय पी के ही गए बस, क्या तुम थोड़े दो मिनट को यहाँ आ जाओ, इन्हें दौड़ा पड़ रहे। मैं फिर वहाँ चली गई जगह में, वहाँ कुछ भी ना। आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, देखिए बिजनौर से जिला प्रभारी सलमान अली की खास रिपोर्ट। थाना कोतवाली देहात में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि किसी भी दशा में किसी ऐसे सर, आज शांतिपुर की मीटिंग की गई, क्या प्रोग्राम? आगामी 21 तारीख को जो बकरा ईद और 25 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, इसी संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग की गई थी। इसमें जो शासन के दिशा निर्देश हैं स्पष्ट बताए गए कि कोई खुले में कुर्बानी नहीं होगी, कोई भी सामूहिक स्थान पर ईदगाह वगैरह में नमाज नहीं होगी। जो कंडीशन पिछले साल लागू थी वही साल भी लागू, वही कांवड़ यात्रा को लेकर भी बताया गया है। जैसे उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को बंद कर दी, यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए, लेकिन वहाँ भी जो भी कोविड के गाइडलाइंस हैं उनका पूरा पालन किया जाएगा। कहीं भी अत्यधिक भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी, होने देनी जाएगी। साथ ही मंदिरों आदि में भी एक पर्याप्त दूरी और जो भी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध है वो कराया जाएगा। नमाज का क्या रहेगा? नमाज जैसे पिछली बार हुई थी, नमाज लोग घर में ही अदा करेंगे, ईदगाह पे कोई भी सामूहिक नमाज अदा नहीं की। पालन करने पे क्या आगे? निश्चित रूप से जितने भी थे शहर के इमाम भी थे, बाकी और जो जगहों के भी इमाम आए थे, सभी लोगों ने पूरा भरोसा दिलाया कि हम जो भी गाइडलाइंस है उनका पूरा पालन करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत।